तो मैं अभी तक पंजाबी एक्चुअल पंजाबी पढ़ नहीं सकता हूँ। दौरे हाजिर की कोई सुपर हिट फिल्म कहते हैं तो वो भी आपको पंजाबी बनानी पड़ी मौला जट। तो इसका मतलब है कि इन्होंने मुझे आसमान ने कहा कि उफ जो फिर उसने घुंघरू पहन के वो नाच किया है छेती बोली में तबीबा। तो एक पैशन जो था आपके अंदर उस फिल्म में स्पेशली, और भी अब बहुत सी ऐसी पंजाबी फिल्में हैं, उसने एक और उसको एलिवेशन दिया जो कि पहले नहीं था। बड़े कार्डबोर्ड कैरेक्टर्स थे, हमें समझ में आता था अब ये होगा। तो वो जो एक सूफी रंग था और वो सब कुछ जो था उसने कनेक्ट किया इस मिट्टी के साथ जिसकी ये फिल्म है, आज वो गैप दोबारा से नज़र आ रहा है। देखिए मेरे ख्याल में गैप नहीं है, बिकॉज अगर आज भी अगर आप इस दौरे हाजिर की कोई सुपर हिट फिल्म कहते हैं तो वो भी आपको पंजाबी बनानी पड़ी मौला जट। तो इसका मतलब है कि तो इसके अलावा आपने, मैं कहने का मेरा यही मकसद था कि टेक्नोलॉजी और मेकिंग फ़र्क हो सकती है। आपको इसी जगह से फिल्म उठा के पुरानी फिल्मों में से, पुरानी फिल्म इंडस्ट्री से, आप बाकी शायरों को पढ़ते इसलिए हैं कि उनकी पोइट्री को इंजॉय कर सकें और उनके अल्फाजों की और उनकी सोच की जो धागे हैं वो किसी तरह आपके सोच और अल्फाज में नज़र आने चाहिए। इसी तरह आपको जब तक पुरानी फिल्मों को हम नहीं देखेंगे, कि जब मैंने पंजाबी फिल्म करनी शुरू की तो मैं अभी तक पंजाबी एक्चुअल पंजाबी पढ़ नहीं सकता हूँ। सो आई हैव समबडी हु रीड्स इट टू मी, और मैं उसके एक्सेंट को भी कॉपी करता हूँ, उसकी जिस फिक्रे पे वो वज़न डालते हैं, और मुझे लगता है कि ये इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो मुझे इस तरह हासिल किया, इल्म हासिल करना है आप सुनने से कर लें, पढ़ने से कर लें, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पढ़ने वालों को देखें तो वो पिछले 500 हज़ार साल पहले तक तो सब सुनने वाले ही थे। माइकल एंजलो, पिकासो, रेनेसांस जितना है उसमें सब शागिर्दी थी, उसमें कोई पढ़ाई थी, कोई कॉलेज डिग्री नहीं दे रहा था। तो वैसे भी नुसरत फ़तेह अली खान साहब के पास दुनिया के हर कॉलेज ने उनको ऑनरेरी पीएचडी डिग्री दी हुई है सिवाय पाकिस्तान के, माशाल्लाह।